ये चीज तैयार की गई है, ये कोई साजिश है जो उनके साथ खेली गई है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, तो इतना नुकसान हुआ है, ये कोई साजिश है। तो पाकिस्तान का तो हो सकता है, इंडिया का तो देखा जाए तो वो तो अमेरिका का ग्लोबल पार्टनर भी साथ है, तो वहाँ पे क्यों कहा गया है? देखो हालांकि इंडिया जो है वो अमेरिका का दोस्त है वही तो ना। और सिक्की के लोग जो ब्लेम कर रहे हैं कि हमने ना अर्थक्वेक आने से पहले आसमान के अंदर कुछ ऐसी फ्लैश लाइट देखी है, कुछ ऐसी अननेचुरल मूवमेंट देखे हैं मिसाइल जैसे हो, हमें ये लगता है कि अमेरिका ने हार्प टेक्नोलॉजी जरिए ना इस टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की होती है। जैसे पाकिस्तान में भी 6 महीने पहले सैलाब आया है, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्लड था ये, तो ये भी उन्होंने कहा है जी अमेरिका की तरफ से कोई आसमान से उन्होंने पानी गिराया है और वो सारा सैलाब बन के पहाड़ों के जरिए पूरे पाकिस्तान को आधे को डुबो दिया। जय हिंद, जय श्री राम। तो भाई आपको बताया कि तुर्की में जो भूकंप आया, पाकिस्तानी उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो बात करेंगे ही। तो पाकिस्तानियों ने जो बोला है कि अमेरिका के पास एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है हार्प पावर टेक्नोलॉजी, उसके जरिए तुर्की में पाकिस्तान के भाई पे तुर्की में भाई भूकंप, उसने मैन मेड भूकंप लाया। तो पाकिस्तानी आवाम वैज्ञानिक पाकिस्तान के क्या कहते हैं वो देखिए, आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में रखें। वीडियो शुरू करते हैं। लगता है कि अमेरिका ने हार्प टेक्नोलॉजी के जरिए टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की हो, तो आपको लगता है कि अमेरिका के पास इतनी हैवी टेक्नोलॉजी है कि वो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट कर सके और अननेचुरल अर्थक्वेक ला सके? देखिए इसका तो मेन रीजन है जो कि आगे इनका मुआहदा खत्म होना है, मुआहदा लुजान, एक वो फैक्ट है। दूसरा अमेरिका के पास इतनी टेक्नोलॉजी है, अगर वो कोरोना वायरस को फिरा सकता है ना, अगर कोरोना वायरस को फिला के अफगानिस्तान का बेड़ा अगर कर सकता है तो जाहिर सी बात ये भी ले जा सकता है, उसके लिए छोटा काम ही है। मैंने वैसे बड़ी अच्छी बात की है कि उनका जो 2023 में लुजान मुआहदा खत्म हो रहा है, तो मेन क्योंकि इफेक्ट वही होना है, पूरे यूरोप अब तुर्की के हाथ में आ जाए। मेन जो उनकी बंदरगाह है ना, जो आर्मी बंदरगाह है, इस वक्त 3 मुल्कों के हाथ में है, फ्रांस, अमेरिका और इसराइल। प्रोबेबिलिटी ये भी है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर की भी खबर दी है कि इंडिया को भी साथ बोला है, अगर देखा जाए तो अपना ग्लोबल पार्टनर भी कहते हैं, तो अगर पाकिस्तान की बात करें तो अपने साथी या अपने दोस्त की तरफ तो नहीं ला सकते? दोस्त हमें दिखाया जा रहा है क्योंकि पिछले 4 सालों से अमेरिका के उसके अच्छे ताल्लुकात नहीं जा रहे इंडिया के भी, क्योंकि वो भी इस मामले की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों जब मुस्लिम कम्युनिटी बनी थी यूपी में, उन्होंने अमेरिका की तरफ से ट्वीट हुआ था कि इनको रोकें, पर वो उनकी हुकूमत उसको रोक नहीं पाई। इस वजह से मुश्किल है कि अब इंडिया को भी बचाएं या ना, हो सके बाकी जो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये तकलीफ तो हमारा बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है इस चीज़ से, और जो मामला अभी कुछ अर्सा पहले हमारे अपने मुल्क में थे वही मामला था उधर है, अल्लाह ताला उनके लिए बेहतर ज़्यादा इंतजाम करें। बिल्कुल, हमारा इस्लामी ब्रदर मुल्क है और हमारे लिए बिल्कुल तकलीफ का बाइस है, ना सिर्फ मजहबी तौर पर बल्कि मिली और कौमी तौर पर भी हमारे उनके साथ के तौर बिल्कुल बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं एक और बात इसमें ऐड करता हूँ कि तुर्की के जो लोग हैं ना वो ये कह रहे हैं कि जलजला से पहले ना हमने आसमान के अंदर बहुत फ्लैश लाइट देखी है, नॉन कुदरती तौर पर वहाँ पर हमने ऐसी लाइट देखी है जो हमें लगता है कि जो अमेरिका है ना उसने हार्प पावर के जरिए ना उनके, आपको पता है टेक्टोनिक तुर्की की जो जियोग्राफी है ना उसके टेक्टोनिक दो प्लेट्स है, फॉल्ट लाइन है दो, तो उनको अमेरिका ने हो सकता है कि हार्प के जरिए ना आर्टिफिशियल जलजला है, तो आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? वो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए, मतलब हमें लगता है अगर हुआ भी हुआ ऐसा, लेकिन ये उस वक्त हो सकता है जब अल्लाह ताला खुद चाहे, तो अदरवाइज इसकी चीज़ की कोई ऐसी इंपॉर्टेंस नहीं है। हमें इसी चीज़ को मानना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो पहले ये कुदरती आफत है, उसके बाद ठीक है ये साइंटिफिकली जो मैटर है इतना बड़ा उससे हो सकता है, इतनी मतलब टेक्नोलॉजी आ गई है कि मतलब टेक्टोनिक लाइंस को मतलब वो मतलब मूवमेंट किया जाए हो जाए, तो इतना कोई बड़ी बात भी नहीं है, टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की कर रही है आजकल, लेकिन जब तक उसको साइंटिफिकली प्रूव ना किया जा सकते इसको मानना मुश्किल है। सबसे पहले घबराना नहीं है, मेरे तसरात ये है कि जो है ना पाकिस्तान को उनकी हेल्प के लिए जाना चाहिए, उनकी हेल्प कर रहा है पाकिस्तान, हेल्प कर रहा है जी बिल्कुल। तो असल में उन पे जो ये कंडीशन चल रही है बड़ा अफसोसनाक बात है हमारे लिए, उनके लिए दुआ भी करनी चाहिए। बिल्कुल, इस्लामी ब्रदर मुल्क है हमारा, बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, बड़े अच्छे तल्लुकात हैं माशाल्लाह। ठीक है, समझ गया। तो ये उन पे एक मुसीबत है जो है ना, हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए हर तरह के उनके साथ खड़ा। अच्छा मुझे एक और चीज़ बताएं, जो तुर्की के लोग ना वो ये कह रहे हैं कि जलजला आने से पहले ना हमने आसमान के अंदर बहुत फ्लैश लाइट को देखा है, हमें ऐसा लगता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। सर हाँ, ये बिल्कुल लगता है, मुझे भी जो है ना शक है, ये कोई चीज़ तैयार की गई है। ठीक है, ये चीज़ देखिए, शिद्दत बहुत है, 7.8 है, इतना ज्यादा जलजला कभी नहीं आया। ये चीज़ हिस्ट्री, अब जलजला की बात करें, हिस्ट्री की बात की जाए तो 99 के अंदर 3 दफ़ा वहाँ पे आया, 2003 में वहाँ पे जलजला आया, उसके बाद 2011 में, 2020 में 2 दफ़ा, लेकिन इस दफ़ा उसने बहुत तबाही की है, बहुत तबाही की है। ये चीज़ तैयार की गई है, ये कोई साजिश है जो उनके साथ खेली गई है, तो इतना नुकसान हुआ है, ये किसी मुल्क की जो है ना उनके साथ साजिश है। मुल्क कौन हो सकता है आपकी नज़र में, मतलब ऐसा जो चाहेगा कि ये अमेरिका ही कर रहा है, जो कर रहा है सबको पता है, ये शुरू से उनके जो है ना खिलाफ चल रही है, ये अमेरिका ही के काम है जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि इस्लाम का दुश्मन जो है ना वो इस टाइम अमेरिका है। अच्छा, अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। जितने भी हैं मतलब गैर मुस्लिम ममालिक, इंडिया है, इंडिया में ज्यादातर है मुसलमान, लेकिन इंडिया इस टाइम देखा जाए तो मतलब जो वहाँ पे मतलब हुआ है तबाही हुई है, इंडिया ने भी उनकी हेल्प की है, पाकिस्तान ने भी किया है, तो आपको नहीं लगता कि ऐसा मतलब इतना मतलब बड़ा कदम कोई मुल्क नहीं ले सकता कि इस तरह की कोई तबाही करे किसी के? नहीं, वाकई बहुत ज्यादा हुआ, हमने भी देखा है और अफसोस भी हुआ है,
जितना भी हो सकता है हम इंशाल्लाह करेंगे। हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत जो है अवाम के साथ चले। अच्छा अच्छा, आपको लगता है कि आर्टिफिशियल पे ये लाया गया होगा, टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव किया गया होगा हार्ड पावर के जरिए अमेरिका ने किया होगा, लगता है ऐसा? ऐसा क्या कुछ नहीं सकते क्योंकि अल्लाह की तरफ से ही होता है सब कुछ। शाबाश, अरे कहना क्या चाहते हो? मजा आया। तो हम इसके बारे में नहीं कुछ कह सकते कि अमेरिका ने किया है, लेकिन ये है कि जंजला आया और पाकिस्तान का भी कहा गया, जो अब वहाँ पे जो आया है और फिर पाकिस्तान का कहा गया, पाकिस्तान में भी आया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान में भी आया, वहाँ से ये साबित होता है कि ये कुछ हो रहा है, यहाँ से थोड़ा बहुत साजिश लगती है, थोड़ा बहुत शक होता है, ये कुछ साजिश है। तो पाकिस्तान का तो हो सकता है, इंडिया का जो देखा जाए तो वो तो अमेरिका का ग्लोबल पार्टनर भी साथ है, तो वहाँ पे क्यों कहा गया है? देखो हालांकि इंडिया जो है वो अमेरिका का दोस्त है, दोस्त है वही तो ना, और पाकिस्तान के मिल के दुश्मन है दोनों, तो पता नहीं देखें अब क्या। चले शुक्रिया। देखें जी, तुर्की हमारा ब्रदर मुल्क है, हमें तो उनसे बहुत मोहब्बत है और हमें बड़ा दुख है, बहुत ज़्यादा जो है ना, हमें अफसोस है इस बात का कि अल्लाह ताला की तरफ से या कुदरती एक आफत जो उनके ऊपर आई है उसमें हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं, और जो वहाँ पे शहीद हुए हैं, जो लोगों की वहाँ पे डेथ्स हुई हैं, हम उनके लिए मगफरत की दुआ भी करते हैं। तो हमने तो आज तक ना ऐसी चीज़ सुनी है ना पढ़ी है कि इस तरह से कोई हार्ड प्लेट्स हैं या अमेरिका के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो दुनिया में किसी भी मुल्क में कोई इस तरह का अर्थक्वेक जो है वो क्रिएट कर सकें, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसी कोई बात है, क्योंकि ये वाहद एक अर्थक्वेक ही ऐसी आफत है जो अल्लाह की तरफ से ही आती है, यहाँ कुदरती है कि यह निज़ाम है कि वो ज़मीन हिलती है, तो इतना ज़्यादा कुछ करना तो ये प्रेडिक्शंस तो हो सकती हैं और ये शक्की बिना पे तो कहा जा सकता है, क्योंकि तुर्की जो है वो हिट लिस्ट पे भी है उसकी। वैसे एक देखा जाए तो उसकी जियोग्राफी जो तुर्की की है वो भी ऐसी है कि अगर देखा जाए पीछे 99 के अंदर भी तीन दफ़ा आया, 2003 के अंदर, 2011 के अंदर, उसके बाद 2020 के अंदर दो दफ़ा वहाँ पर जल्जला आया, क्योंकि उनके वहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट जो मूवमेंट करती है जिसकी वजह से वो आता है, उसकी जियोग्राफी के अंदर ऐसा है। बल शायद हो सकता है, लेकिन ये प्रेडिक्शन ही है ना, ये एक शक्की बिना पे कहा जा सकता है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी वैसे अभी तक सुनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो जहाँ पे जल्जले वैसे अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं ना वहाँ पे वो फिर रेगुलर आते रहते हैं, कुछ साल बाद आते हैं, पाकिस्तान में भी ऐसा होता है कि हर 5-10 साल बाद अर्थक्वेक आते हैं, लेकिन अभी जो तुर्की में जल्जला आया ना 7.8 का है, जो कि बहुत ज़्यादा था और वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, घरों के घर, बस्तियों की बस्तियाँ और फ्लैट्स के फ्लैट्स गिर गए, तो ये उनका वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक कह रहे हैं कि हो सकता है जी अमेरिका ने कुछ हार्ड प्लेट्स की वजह से ये कुछ करवाया हो, क्योंकि जुल्म जिस पे होता है हार्ड पावर जो भी है उनका, तो वो जुल्म जिस पे होता है असल एहसास तो उनको ही होता है ना, वो अब अपने तौर पे अगर इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे तो फिर ये चीज़ सामने आएगी। अच्छा अच्छा, सोशल मीडिया पे मैं फेक न्यूज़ शायद न्यूज़ ऐसी सुनी है कि अगला जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के अंदर, शायद आपने भी सुनी होगा, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर भी आ सकता है आगे, रिसेंटली कोई ऐसा भी है या नहीं? हमने तो नहीं सुना, हमने भी सिर्फ ये पढ़ा ही है ये फेसबुक पर और इधर उधर ये न्यूज़ चल रही है कि अगले 2-3 दिन में जो है ना वो पाकिस्तान में और इंडिया में भी ऐसा अर्थक्वेक आ सकता है, लेकिन अल्लाह ताला मेहरबानी करे हमारे मुल्कों में ऐसा ना हो। यहाँ से फिर लोग ये समझ लेते हैं कि शायद ये साजिश है कि अगर तुर्की के अंदर है तो पाकिस्तान भी हिट लिस्ट पे है, अमेरिका की हो सकता है वहाँ पर भी लेके, तो लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया है वो तो अमेरिका का ब्रदराना कंट्री है, वो तो उसे हर जगह पे अपना ग्लोबल पार्टनर भी कहता है। तो डेफिनेट बात है कि अगर पाकिस्तान को उन्होंने हिट करना है तो साथ में थोड़ा बहुत तो वो दूसरे मुल्कों भी करेंगे, जैसे अभी तुर्की में आया तो शाम साथ में शाम में भी आया, तो वो एक ही कंट्री में अगर आएगा तो वो तो डेफिनेटली फिर लोगों को ज्यादा शक होगा ना इस बात पे कि देखें जी एक ही मुल्क को हिट किया जा रहा है, तो अगर 2-3 मुल्कों के इकट्ठे में आएगा तो फिर लोग बात भी नहीं करेंगे जी, देखो वो तो उनका एक यानी कि फ्रेंडली मुल्क था तो उसमें भी तो आया ही है ना, तो इस वजह से उसमें लोग ज्यादा शक भी नहीं करेंगे। यार ये थी पाकिस्तान के कितने जबरदस्त है यार, मतलब सोचने की बात है इनका भाई, यो कहना है कि आपने वो कहा तो सुनी कि गेहूं के साथ घूण है वो पीसता है भाई, अब अगला टारगेट है जो पाकिस्तानी के ऊपर भूकंप आने वाला है, पाकिस्तानी लोग ये बोल रहे हैं कि अमेरिका है जो उस पे गिरा, तो पाकिस्तान के अंदर अगर तो हल्का फुल्का इंडिया में भी आ सकता है। कितने जबरदस्त है भाई, लॉजिक देखिए, लॉजिक कहां से कहां लगा है, तो बंदे बोल रहे हैं कि जैसे कोरोना वायरस चीन ने भाई पूरे विश्व में छोड़ दिया है, तो अमेरिका ने भी टेक्नोलॉजी निकाली है, एक तरफ चीन है एक तरफ अमेरिका, दोनों सुपर पावर हैं, अब इन्होंने टेक्नोलॉजी निकाल दी है कि उधर से वो भूकंप छोड़ेगा इधर से कोरोना छोड़ेगा, और इसका पता यानी कि इसकी जो रिसर्च हुई है वो हुई है पाकिस्तान में, तो तह दिल से धन्यवाद और प्यार है मेरे पड़ोसी मुल्क, इतनी तरक्की कर रहा है, जो नई नई खोजें कर रहा है, आप लोग कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर के जय हिंद जय भारत।